I'm still baffled to I don't understand why England would win the toss and put them into bat, Misbah. Apparently, he admitted in a press after in his post-match interview. Wasim bhai ke stats kai dafa aapko jo hai na stats hi sara kuch nahi hote. It's very important ke stats ke baad aap khud ground reality dekhen ke is time जो एक वीक टीम थी रिलेटिवली उसने भी पहले खेल के साउथ अफ्रीका को चेज नहीं करने दिया और अंडर प्रेशर वो साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप नहीं थी जो वो पहले खेलते हुए. तो हम उस दिन वे फॉरवर्ड में जब आपने पूछा कि साउथ अफ्रीका के लिए वे फॉरवर्ड क्या है तो हमने यही बात की कि ओवर थिंक नहीं करना, गो विद योर स्ट्रेंथ, विन द टॉस, पावे बाद एड्डा पानी क्यों नहीं है, बैट फर्स्ट सिंपली. अनदर क्वेश्चन टू यू गाइस ऑल थ्री ऑफ यू द पैनल, कुछ कहना है आपने? जी एक चीज मैं यहाँ पे जरूर बोलूंगा, ठीक है टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग दी इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को, लेकिन उससे पहले इनको ये सोचना चाहिए था कि ठीक है हमारे पास बहुत लंबे बैटर्स हैं, लंबी बैटिंग लाइनअप है, बट इनफॉर्म नहीं है. तो हाँ इनफॉर्म नहीं है, और दूसरा आपकी बॉलिंग वैसे ही हल्की है क्योंकि आप इस तरह का मैच खेलते हैं हमें मार लो हम आपको मार के पूरा कर लेंगे, नहीं. तो इन जिस एंगल से वो ये कहते थे हमें मारो और आप हम मार के पूरा कर लेंगे, वो तो इन फॉर्म में ही नहीं है. क्रेडिट टू यू शोएब, बिकॉज राइट इन द बिगिनिंग 4 अक्टूबर को जो हमने पहला शो किया था बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्टेड 4 अक्टूबर को, उस वक्त आपने उसी वक्त कह दिया था कि इंग्लैंड हैज ए space or a gap in their bowling and that's their weaker part right now and it's showing now. Not only the bowling, it's still their in-form batting bhi unko nahi pata ke kaun se 7 batsmen hai jo humne khilane hai. Livingston aaj drop ho gaye, pichle match mein 10 over mein 33 runs diye the aur aaj mujhe lagta hai ki bahut zarurat thi is venue pe, 6 sitting ground hai na, yahan pe unki bowling ki bhi zarurat padti. 4 fast bowler khilaye hain, tez bowler khilaye hain against a team जिनकी एवरेज सबसे ज्यादा पेस की था कि ये जो लास्ट मिनट पे क्रूशियल मैच में 3 चेंजेस जो किए हैं दैट शोस द प्रेशर. या दैट शोस यू आर नॉट क्लियर, पैनिक इन द आपने कप्तानी की है, सबने किया. जब आप इस किस्म की सिचुएशन में टीम होती है, क्लैरिटी जब नहीं होती तो आप कभी भी अपने गेम प्लान्स भी अंदर जाके आप कॉन्फिडेंट नहीं होते उसमें. तो दैट शोज के आप जब अफगानिस्तान से हारे हैं, चेज नहीं हुआ, आपको पहले ही जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका शेक हो गया है, तो फिर इस किस्म के डिसीजंस आप करते हैं. दूर जाने की जरूरत ही नहीं है पैनिक बटन वाली, आप वो देख लें. जैसे साउथ अफ्रीका हारा है उनसे नीदरलैंड से, इनको वहीं से देख लेना चाहिए था कि ये बैटिंग सेकंड करते हुए दे आर अंडर प्रेशर व्हेन दे हैव टू चेस. एग्जैक्टली, चेस इज नॉट एवरीबॉडीज थिंग.